नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एलविश यादव ने अदनान शेख के एविक्शन पर रिएक्ट किया है। तो दोस्तों, आखिरकार उन्होंने क्या कहा अदनान शेख को लेकर के, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहना और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, एलविश यादव का कहना है कि मैं तो स्टार्टिंग डेज से कहता आ रहा हूँ कि ये जोकर ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, बिग बॉस से कुछ दिनों के अंदर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक भी अच्छा नहीं खेल रहा, बस फालतू का एटीट्यूड ही दिखा रहा है। दोस्तों, एलविश यादव ने आगे ये भी कहा कि वीकेंड के वॉर में जब मिस्टर फैजू और मैं पहुंचे थे, तब भी मैंने फैजू से यही कहा था कि भाई तू गलत बंदे की साइड ले रहा है, वो ज्यादा दिनों को मेहमान नहीं है और वो फालतू खेल रहा है, बेफालतू खेल रहा है, मतलब कि उसके खेलने का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का ईगो दिखा रहा है। इस बार बिग बॉस का विनर कटारिया है, कटारिया के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कटारिया का एक अपना फैन बेस है और कटारिया ही विनर बनेगा। पर बिग बॉस फाइनल में आप लोगों को तीन लोग, मतलब कि टॉप थ्री में आप लोगों को तीन लोग देखने को मिलेंगे, जिसमें कटारिया विनर होगा और कटारिया के साथ आप लोगों को विशाल और सना मकबूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा कहना एलविश यादव का, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोग एलविश यादव की इस बात से कितना ज्यादा एग्री करते हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना, मिलकर वीडियो में धन्यवाद।